please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. क्या अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष में आत्मविश्वास जगेगा? क्या वाईएसआर टीडीपी का अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष को एकजुट करेगा? क्या अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष में नई जान आएगी? क्या 2019 चुनाव से पहले विपक्ष फिर से एकजुट हो जाएगा? ये मुद्दा इसलिए गर्म है क्योंकि लोकसभा में आज टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा और सदन में आज शिवसेना गैर हाजिर रहेगी। ये एनडीए के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है और इस अविश्वास प्रस्ताव को कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, एसपी के साथ साथ लेफ्ट पार्टियों ने भी समर्थन किया है। इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सभी पार्टियां एकजुट हैं और टीडीपी ने व्हिप जारी करके अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। हालांकि संख्या बल को देखते हुए देखा जाए तो सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। ये नो ट्रस्ट मोशन टीडीपी की तरफ से उन्होंने घोषित किया है। अभी स्पीकर ने इसके ऊपर वो नो ट्रस्ट मोशन पेश करने की इजाज़त नहीं दी। इस प्रकार की स्थिति है। अब देखते हैं आगे, क्योंकि ये एक नो ट्रस्ट मोशन भारतीय जनता पार्टी के संख्या बल के हिसाब से इसमें कुछ होगा ऐसा लगता नहीं। ये कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा एमपीज़ के साथ हम एक सिग्नेचर्स का एक लिस्ट बना के और वो स्पीकर को सबमिट करें। टीडीपी आज मूव कर रहा स्पेशल स्टेटस के वास्ते नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट दी इंडिया सरकार, तो इस वक्त देखना है बिकॉज वाईएसआरपी कैसा भी उसको मदद करता है। क्यों बोलते वाईएसआरपी भी यही चाहता है कि शिवसेना से मनीषा कांदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीषा जी, सपोर्ट नहीं कर रही आप सरकार को? देखिए, पहले तो ये अविश्वास ठहराव जो लाने वाले हैं, क्या स्पीकर ने इसकी परमिशन दी है? तो अगर ये प्रेजेंट होगा, अगर परमिशन देते उसके बाद शिवसेना देखेगी क्या करना है। उद्धव जी इस पे बात करेंगे, मगर अभी तो फिलहाल ये नोटिस ऑफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है। मनीषा जी, स्टैंड क्या है शिवसेना का? देखिए, माननीय संजय राउत जी ने पहले ही एक्सप्रेस किया है कि ये तो अभी ये टीडीपी की अपनी एक उनका एक इलेक्शन प्रॉमिस था और एनडीए ने उनको प्रॉमिस भी किया था, मगर अभी उन्होंने विड्रॉ कर लिया है सपोर्ट और ये उनकी एक स्टेट की समस्या है। मगर देखना ये है कि क्या ये न्यू कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर अलाउ करते हैं प्रेजेंट करने के लिए, उसके बाद शिवसेना तय करेगी। ठीक है, अभी तक आपने कुछ डिसाइड नहीं किया है। शुक्रिया मनीषा जी हमसे बात करने के लिए। ट्रस्ट प्रस्ताव से विपक्ष में आत्मविश्वास जगेगा? क्या वाईएसआर टीडीपी का अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष को एकजुट करेगा? क्या अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष में नई जान आएगी? क्या 2019 के चुनावों से पहले विपक्ष फिर से एकजुट हो जाएगा? ये मुद्दा इसलिए गर्म है क्योंकि लोकसभा में आज टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा और सदन में आज शिवसेना गैर हाजिर रहेगी और ये एनडीए के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है और इस अविश्वास प्रस्ताव को कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और एसपी के साथ साथ लेफ्ट ने भी इसका समर्थन करने का ऐलान किया है। टीडीपी ने व्हिप जारी करके अपने सभी सांसदों को संसद में मौजूद रहने के लिए कहा है। हालांकि संख्या बल को देखते हुए सरकार को फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पे आप लोगों का क्या स्टैंड है? पहली बात तो ऐसी है, शिवसेना एक स्वतंत्र पार्टी है, इंडिपेंडेंट पार्टी है और उसके खुद के कुछ ख्याल आते हैं, वो सारे ख्याल देश के हित में है। आप अगर देखोगे तो हमारे पक्ष के प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने जो जो नीतियाँ अपनाई, जो जो स्टैंड्स लिए, खास करके आप याद करिए जब भूमि अधिग्रहण का कानून आया तो शिवसेना ने क्या किया, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो शिवसेना ने क्या किया, जब जीएसटी की बात आई तो शिवसेना कैसे पेश आई, जब कश्मीर में हमारे मित्र पक्ष ने उनके साथ में जब अलायंस किया, जिस पार्टी के साथ में गठबंधन किया, जो पार्टी कश्मीर को तोड़ना चाहती है ऐसे लोग पीछे ख्यालात की पार्टी के साथ में, तो शिवसेना कैसे रही। तो आप देखोगे सारे विषय, किसानों का ऋण मुक्त होने करने की बात हो तो सारे विषय देश के हित में, जनहित में शिवसेना काम करती है और उसको लेकर जब आज ये तेलुगु देशम पार्टी का जो अविश्वास का जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है
उस प्रस्ताव के बारे में अगर आप देखोगे तो उनका राज्य का विषय है। इसमें दूसरी तरफ सारी पार्टियां इकट्ठा आ रही है, स्वागत करते हैं हम, अच्छी बात है इकट्ठा आ रहे, हमने पूर्व भी अनुभव किया है सारे विपक्ष इकट्ठा आकर क्या हुआ, तो वो तो ना हो जाए कि दो बिंदु जैसे पानी गिर जाए और बाद में क्या, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, 370 कलम के बारे में क्या है, अयोध्या के मंदिर में बारे में क्या है, देश के हित में जो संविधान एक हो, एक संविधान एक निशान उसका क्या है, तो ये सारे विषय शिवसेना उससे जुड़ी हुई है। और आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, शिवसेना इस विषय को लेकर आगे बढ़ती है। इसका मतलब सरकारी पक्ष से समाधानी नहीं है, हम भी उनके साथ में नाराज हैं। तो हमने नाराजी इस सारे विषय पर प्रकट की थी, तब बाकी लोग क्या कर रहे थे आप अभी भी सोच लो तो पता चलेगा। पिछले 4 दिन से कह रहा हूं मोदी सरकार अविश्वास प्रस्ताव फेस करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि बाहर भी हमारा समर्थन है, हाउस में भी हमारा समर्थन है। मोदी सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, बीजेपी का सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, और जब एनडीए को भी हम जोड़ते हैं 2/3 बहुमत मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो टीडीपी और वाईएसआर दोनों ही केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस के वाईवी सुब्बा रेड्डी ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए एक नोटिस सोमवार को आज वो इस कार्रवाई में देने जा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको बताएं कि टीडीपी की तरफ से भी ये नोटिस दिया जाएगा। केटी नरसिम्हा वो इसमें ये नोटिस देंगे। टीडीपी के कुल 25 सांसद हैं, वाईएसआर के 9 सांसद हैं, और इसके साथ ही साथ समर्थन जो मिल रहा है वो कांग्रेस का मिल रहा है, एआईएमएम का मिल रहा है, लेफ्ट पार्टियों का मिल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए कि खतरा कितना है सरकार को, जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं, तो उसमें बीजेपी के पास कुल 273 सांसद हैं, शिवसेना के 18, हालांकि वो अपनी स्थिति साफ नहीं कर पाए हैं, एलजेपी 4, अकाली 4 और अदर्स 11, जिनका समर्थन हासिल है, यानी किसी तरह का खतरा उनको नहीं है। शाहनवाज हुसैन जी बीजेपी की तरफ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज जी, ये तो सभी जानते हैं कि सरकार को खतरा नहीं, लेकिन फिर भी अविश्वास लाया जा रहा, क्या सियासत इसके पीछे देख रहा है टीडीपी की और वाईएसआर की? देखिए, जिन्हें खुद पर विश्वास नहीं है वही अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बोल रहे हैं। सब उनको ये भी विश्वास है कि सरकार के पास विश्वास है, लाने वालों के ऊपर खुद अपने ऊपर विश्वास उनको नहीं है। बहुमत स्पष्ट है, कोई भी देश में ये बोलने की स्थिति में है कि ये सरकार के पास बहुमत नहीं है? सरकार के पास अपार बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत है, एनडीए के साथियों के साथ अपार बहुमत है, इसलिए कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये 2-4 दिन के लिए अपने इलाके की राजनीति करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो इस सरकार के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, तो लाएं, सरकार तो तैयार है। सरकार ने वादा खिलाफी की, ऐसा कहना था चंद्रबाबू नायडू का। वादा खिलाफी सरकार ने कुछ नहीं की है, बल्कि अगर आप अपने कामों से अपनी जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं तो उसका ठीकरा केंद्र सरकार पर न फोड़ें, और उनको ये मालूम होना चाहिए कि केंद्र उनकी जनता को भी, उनके पार्टी के वर्कर और सांसदों को भी मालूम है कि इस सरकार के पास अपार बहुमत है, तो फिर ये किस बात का ढोंग रचा जा रहा है, ये क्या कहा जा रहा है कि सरकार, कोई भी दल जो हमारे विरोध में है, क्या कांग्रेस पार्टी भी कहने की स्थिति में है कि सरकार के पास विश्वास नहीं है? जी विश्वास है, ठीक है, फॉर्मेलिटी करनी है, बहुमत है शाहनवाज जी, लेकिन एक और बात, संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार जी कह चुके हैं कि देखिए वो ले आए, हम तो पूरी तरह तैयार है क्योंकि हमारे पास बहुमत है, पर बड़ी बात अब यहाँ पर ये भी आ जाती है, शिवसेना ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। देखिए, शिवसेना के मंत्री हमारे साथ मंत्रिमंडल में है, वो राज्य में हमारे साथ है, मुंबई में हमारी बहुत सीटें होने के बावजूद हमने उनको समर्थन दिया हुआ है। शिवसेना अपनी, उनके अलग अलग नेता अलग अलग बयान देते रहते हैं जी, तो बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शिवसेना सरकार से अलग अभी नहीं है जी। और कुछ सवालों के जवाब में जरूर वो लोग कह देते हैं हाँ। कि हम इधर नहीं है उधर नहीं, अरे आप तो सरकार में,
राज्य में भी सरकार में है, केंद्र में भी, राज्य केंद्र दोनों जगह वो सहयोग आपकी है। शाहनवाज जी हमारे साथ इस वक्त मीम साहब भी जुड़ चुके हैं, मीम अफजल साहब कांग्रेस से। मीम अफजल साहब, शाहनवाज जी सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि जानती है टीडीपी और वाईएसआर दोनों ये जानते हैं कि बहुमत सरकार के पास है और इस सरकार को कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है जिसमें कांग्रेस भी साथ दे रही है। देखिए, जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ये 4 साल में पहली बार हो रहा है मोदी सरकार के साथ, इससे साफ जाहिर होता है इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सरकार गिराना ही है। अविश्वास का मतलब है कि सरकार का विश्वास टूट रहा है और टूट जाएगा, और हम उसके लिए आवाम की एक तरह से तवज्जो जो है पूरी चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह का प्रस्ताव हुआ है और वो पास हो जाए या पास ना हो, ये तो बात की बात है। बुनियादी बात यह है कि प्रस्ताव कौन लेकर आया है। प्रस्ताव अपोजिशन की वो जमातें नहीं लाई हैं जो 4 साल से उसको अपोज कर रही हैं जी। ये प्रस्ताव खुद उनके सहयोगी लेकर के आए हैं और उनके सहयोगी अब नाराज हैं। आज रामविलास पासवान का बयान देखिए क्या है, इंडिकेशन है। मैं तो काफी दिन पहले से कह रहा हूँ कि रामविलास पासवान पार्टी छोड़ेंगे, इनका सरकार को छोड़ देंगे जाने से। लेकिन मीम साहब जरा ये भी बताइए, ठीक है ये भी बताइए, टीडीपी और वाईएसआर जिस मुद्दे को लेकर अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, आपको उस मुद्दे में ऐसा नहीं लगता कि मौका परस्त है? अभी तक तो सरकार के साथ रहे और पूरा पैकेज भी ले लिया। हाँ ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन खुद वित्त मंत्री कह चुके हैं कि उसके बराबर का उनको दिया गया स्टेटस। उन्होंने जब टीडीपी से बात की थी और उनको अपने साथ लिया था तो उन्होंने तो स्पेशल स्टेटस देने के लिए वादा किया था, वो अपने वादे को पूरा करना चाह रहे हैं। आप बताइए इसके अंदर उनकी गलती क्या है जी? उन्होंने वादा लिया, आपने वादा पूरा नहीं किया, तो वो जाहिर है पहले कोशिश करते रहे और जब आप नहीं माने। और मैं आपको बताऊं, ये पूरी एक चाल है। अभी अरुण जेटली जी ने पहले कहा था कि नहीं, हमने जो आंध्रा से वादे किए हम पूरे करेंगे, लेकिन ये जो हम पैकेज लाएंगे वो अलहदा से लेकर के आएंगे। उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया कि हम इसको करेंगे ठीक वक्त पे और हम पूरा करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि टीडीपी को माइनस करके अपने तौर पर ये बात सरकार बनाने के लिए सहयोगियों की जरूरत थी, इसलिए किसी भी तरह की मांगे मान ली गई क्या? देखिए, हमने विशेष राज्य की बात नहीं की, विशेष सहयोग की बात की थी। हम विशेष सहयोग कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में जितना सहयोग करना था उससे ज्यादा कर रहे हैं। मैंने आपने कहा कि अगर वो हमारे साथ थे, अलग हुए हैं, तो उनको अपना स्टैंड अपने राज्य में दिखाना है। ये अविश्वास प्रस्ताव गंभीर नहीं है, ये दिखावटी है, ये बात पूरा देश जानता है। नरेंद्र मोदी जी पर 125 करोड़ जनता का विश्वास है, बहुमत में सांसदों का विश्वास है 300 से ज्यादा, और यह सरकार देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। पर नाराजगी है शाहनवाज जी, बड़ा सवाल फिर ये भी है, ठीक है टीडीपी आपसे नाराज हो गई, अलग हो गई, आपने कहा कि हमने वो प्रोमिसेस नहीं किए थे, सरकार चली जाए जी। शाहनवाज जी आपने कहा कि वो प्रोमिसेस नहीं किए थे जिनकी मांग टीडीपी कर रही है, नाराज हुई, अलग हो गई, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है, एलजेपी भी नाराज लग रही है, शिवसेना बार बार इस तरह की बातें कहती रहती है कि हम अलग हो जाएंगे। मीम अफजल सीनियर लीडर, मैं उनसे कह दूं कम से कम एलजेपी के बारे में इस तरह की बातें ना कहें। कुछ चीजों अलग अलग दल हैं, अलग अलग सुर होते हैं, लेकिन एनडीए के मामले में नरेंद्र मोदी जी को लेकर सब एकजुट हैं, इकट्ठे हैं, एलजेपी हो या शिवसेना, एक भी दल हमसे अलग नहीं है। अगर कांग्रेस ये ख्वाब देख रही है कि एलजेपी और शिवसेना और ये सब अलग होंगे तो नहीं होंगे। ऐसा ख्वाब मत देखिए जो अधूरा रह जाएगा, ऐसे अधूरे ख्वाब ठीक नहीं होते हैं जी। मैं आपसे कह सकता हूँ ये सरकार अभी चल रही है और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 300 सीट जीतेगी, एनडीए के सहयोगियों के साथ 400 सीट जीतेगी। इस सरकार को कोई हटाने वाला नहीं है, इस देश में कोई इस बात के लिए तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री न रखा जाए जी। शुक्रिया, शुक्रिया शाहनवाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सरकार चल रही है, सहयोगियों के साथ चल रही है, कोई नाराज नहीं है। शाहनवाज हुसैन सीधे सीधे ये बात कह रहे थे और मीम अफजल साहब को सीधे उन्होंने ये बात कही कि आप वो ख्वाब देखना छोड़ दीजिए कि यहाँ से हमारे सहयोगी हमसे अलग होते जा रहे हैं। क्या अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष में आत्मविश्वास जगेगा? क्या वाईएसआर टीडीपी का अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष को एकजुट करेगा? क्या अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष में नई जान आएगी? मुद्दा इसलिए गर्म है क्योंकि लोकसभा में
टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ये भी बता दें कि लोकसभा में हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और सदन में आज शिवसेना गैर हाजिर रहेगी। ये एनडीए के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है और इस अविश्वास प्रस्ताव को कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और